गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बार इन चुनावों में आम आदमी पार्टी भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, जिसे लेकर भाजपा के हाथ पूरी तरह से फूल चुके हैं, क्योंकि भाजपा को इस बार के विधानसभा चुनावों में अपनी हार साफ साफ नजर आ रही है, जिसके चलते अब भाजपा और उसके नेता जालबाजी पर उतर आए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण निकल कर सामने आया है गुजरात के गांधीनगर से, जहां सचिवालय में शुक्रवार को अचानक से भीषण आग लग गई और जिसमें दर्जनों फाइल्स जलकर स्वाह हो गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आया है, जो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। आप एक बार ये वीडियो देखिए और समझिए कि अपने काले कारनामे छिपाने के लिए भाजपा क्या क्या हथकंडे अपना रही है। वहीं आपको बता दें कि आग सुबह करीब 8:30 बजे दूसरी मंजिल पर स्थित सरकारी दफ्तर में लगी थी, जिसके तुरंत बाद दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंच गईं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं गनीमत की बात ये रही कि दफ्तर बंद होने के वजह से किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आग के कारण कई फाइलें जलकर राख हो गईं। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर करारा तंज कसा है और ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि और गुजरात में जलने लगी सरकारी फाइलें, गुजरात के पुराने सचिवालय में आज आग लग गई। चुनाव से ठीक पहले आग लगना बताता है कि बीजेपी को सत्ता जाने की भनक लग गई है। इसी घबराहट में 27 साल के भ्रष्टाचार की फाइलें जला रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की जमकर रिएक्शन इस घटनाक्रम को लेकर आ रहा है। इसी कड़ी में एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अब साबित यही होता है कि गुजरात में बीजेपी ने हार मान ली, जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और तो और गुजरात के हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उनके होम राज्य में सचिवालय जल गया, कुछ तो बड़ा खेल हुआ है 27 साल में। वहीं एक दूसरे यूजर का कहना है कि जहां जहां बीजेपी से जुड़ी फाइल्स हो या ललित मोदी से जुड़ी फाइल्स हो, वहां आग लग जाती है। जिस जज के पास अमित शाह का केस हो, उन जस्टिस साहब की हत्या हो जाती है। बीजेपी के दिग्गज नेता जो अच्छे हैं, गोपीनाथ मुंडे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, मर जाते हैं। एक दूसरे यूजर ने अपनी राय शेयर करते हुए लिखा कि अच्छा अब समझ आया कि 4 दिन पूर्वा गुजरात दौरे पर क्यों आए थे, सबूत मिटाने के लिए आए थे, पता चल गया है अब सरकार जा रही है, कहीं दूसरा बैठा जो भ्रष्टाचार की सारी फाइल खोल के रख देगा, वारे मारा मोदी जी, कई देश डूबा रिया हो। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि हर सरकारों की मजबूरी, कुकृत्यों को यज्ञ हवन लाजमी है, पाखंड और भ्रष्टाचार से भरी हमारी व्यवस्था असफल हो चुकी है, जिस व्यवस्था में मोदी जायज है तो व्यवस्था तो बस झूठा है। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM News Express।